वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्नगतिः कुतोऽपि ध्यायं स्तुवंस्तस्य शस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरुः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं नाम्ने गौरद्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरि प्रिय जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गुसाईर कुरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे राम श्री राधे गोविंद जय जय श्री राधे श्याम श्री गुरु निताय गौर सीतानाम प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हम सुनते चले आ रहे हैं हमारे प्यारे आचार्य गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रतिपाद जी द्वारा रचित बहुत ही सुंदर ग्रंथ श्री श्री प्रेम संपुट पर एक प्यारी चर्चा, जहाँ पर हमने जाना कि श्री जी के हृदय के अंतरंग भावों को जानने के लिए, उनके प्रेम को प्रकाशित करने के लिए, जो कि गोपी के रूप में उन्होंने बड़े ही गुप्त रखा है, उसको प्रकाशित करने के लिए श्याम सुंदर देवांगना के रूप में आए। एक स्वर्ग की देवी के रूप में उन्होंने
श्री किशोरी जी के भवन के प्रांगण में प्रवेश किया और फिर किशोरी जी ने बहुत प्रयास किया कि वो कुछ कहें, लेकिन वो कुछ ना बोले। अंततः जब उन्होंने बात करनी प्रारंभ की तो उन्होंने यही कहा कि श्री कृष्ण की बंसी स्वर्ग स्थित समस्त देवियों को आकर्षित कर देती है और वो इतनी आकर्षित हो जाती हैं कि वो अपने आप को भूल जाती हैं, अपने पति को भूल जाती हैं। और मैं उस बंसी का अनुसरण करते करते यहाँ आई वृंदावन में और मैंने यहाँ एक नज़ारा देखा और वो ये कि तुम श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हो। मैंने देखा कि श्री कृष्ण ये वायदा करते हैं कि वो तुमसे मिलेंगे संकेत स्थान में आकर, लेकिन अपने उस प्रण को निभाते नहीं। वो किसी और रमणी के साथ रमण करते हैं और तुम विरहिणी होकर के अतिशय दुख प्राप्त करती हो कि तुम्हारे उस विरह दुख के कारण सब रोने लगते हैं, यानी पशु पक्षी भी रोने लगते हैं, आरती प्राप्त करते हैं, कष्ट प्राप्त करते हैं। तो श्री कृष्ण वस्तुतः बड़े कामुक हैं, तो भी तुम उन्हें प्रेम करती हो, तुमने कहाँ प्रेम कर लिया। तो आप सुनते चले आ रहे हैं कि कैसे श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी, प्रेम ठाकुरानी बार बार बता रही हैं कि नहीं, ये जो प्रेम है ये बहुत अलग है। प्रेम का मतलब ही होता है अपने प्रियतम की सुख की वासना अपने हृदय में पोषित करना। आत्म सुख का जो लवलेश हो वो प्रेम में कभी ना रहे, आत्म सुख की गंध मात्र ना रहे, प्रेम का मतलब ही यही है। हमने ये बहुत अच्छी तरह से जाना कि प्रेम जो है, ये जो कृष्ण प्रेम है, वो भक्तों में तो होता ही है लेकिन ब्रज स्त्रियों में बहुत सुंदर मात्रा में होता है। महाभाव की कक्षा तक ये कृष्ण प्रेम जाता है, क्योंकि ये जो महाभाव है ये मात्र परकिया भाव में ही होता है। हमने ये भी जाना कि ये जो परकिया भाव है ये श्याम सुंदर अपने नित्य कांताओं को इस अभिमान में लाते हैं योग माया की सहायता से। योग माया दासी जहाँ, योग माया जो है ये आवेश ले आती हैं उनके अंदर की वो परकियाँ हैं और श्याम सुंदर जो है उपपति हैं, लेकिन वस्तुतः श्याम सुंदर की वो अपनी ही नित्य कांताएँ हैं, उनकी ही शक्ति हैं, तो कहीं से श्री कृष्ण पर दोष नहीं आता। श्रीमद् भागवतम में भी इसका सबूत दिया हुआ है, प्रमाण दिया हुआ है कि जब गोपियाँ चली गईं श्री कृष्ण से रास करने के लिए तो समस्त गोप जो उन गोपियों से ब्याह किए हुए थे उन्होंने माया के द्वारा रचित गोपियों को अपने आसपास देखा, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं हुई। तो हम इस तरह से जानते हैं कि माया बहुत कार्य करती है, यानी योग माया बहुत कार्य करती है श्री कृष्ण की इस रस की सिद्धि के लिए, रस वैचित्र्य की सिद्धि के लिए। किशोरी जी ने बताया कि ये जो प्रेम है ये निरुपाधिक है, हमारा प्रेम श्री कृष्ण के सुख के लिए अनंत दुखों को भी सुख के रूप में गिनता है। अनंत दुख मिल जाए लेकिन श्री कृष्ण की प्राप्ति की संभावना हो उनको सेवा करके सुखी करने के लिए, तो ये अनंत दुख भी महासुख होते हैं। और अगर अनंत सुख मिल जाए और श्री कृष्ण की प्राप्ति की असंभावना हो तो वो अनंत सुख भी महादुख हैं। ये उन्होंने बताया। किशोरी जी ने ये भी बताया कि अगर बहुत क्लेश आ जाते हैं इस प्रेम में तो वो प्रेम को और भी गंभीर कर देते हैं, प्रेम और भी विशिष्ट हो जाता है, प्रगाढ़ हो जाता है। और ये भी बताया किशोरी जी ने कि जब प्रेमी अगर अपने मुख से ये बोल दे कि हम तुमको प्रेम करते हैं तो फिर वहाँ प्रेम लघुता को प्राप्त करता है या समाप्त हो जाता है। इसीलिए गोपियाँ कभी भी नहीं कहती हैं श्री कृष्ण से कि हम प्रेम से आपकी सेवा करना चाहते हैं, हमारा जो प्रेम है वो आपकी सेवा के लिए है। तो उनका सजना धजना आभूषण, उनका श्रृंगार, कृष्ण मिलन सब श्री कृष्ण की सेवा के लिए है, उनके सुख के लिए है। लेकिन तो भी बेशक श्री कृष्ण के सुख के लिए है लेकिन अपना सुख भी तो कहीं होना चाहिए। अपना सुख मतलब एक आनंद के लिए तो व्यक्ति जीता है, तो तुम्हारा आनंद क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जब श्री कृष्ण को बहुत सुख होता है हमारी सेवा से तो उनका मुख प्रफुल्लित हो जाता है
उस प्रफुल्लित मुख को देखकर हमारा भी मुख प्रफुल्लित हो जाता है, उनका सुख देखकर ही हमें सुख मिलता है। हम अलग से सुख की कामना नहीं करती और ये भी नहीं सोचती हैं कि वहाँ से हमें कोई सुख मिलेगा, है ना। और ये भी बोला कि अगर कोई व्यक्ति अपने मुँह से कह देगा कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ तो फिर वहाँ प्रेम रहेगा नहीं या वो कम हो जाएगा। इसलिए श्याम सुंदर भी अपने हृदय के प्रेम को काम के रूप में व्यक्त करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि लगता है महाकामुक है। और जो ब्रज गोपियां हैं वो भी इस तरह से वाक्य बोलती हैं कि लगे कि श्री कृष्ण के सौंदर्य पर वो आत्महारा हैं और वो अपने सुख के लिए श्री कृष्ण से संयोग करना चाहती हैं, मिलन करना चाहती हैं। तो हमने ये भी जाना कि जब महाविरह रूपी दुख गोपियों को होता है तब वो खुल के बोल देते हैं कि हे श्री कृष्ण हम तुमसे प्रेम करती हैं, महाविरह रूपी दुख में। इससे उनका जो प्रेम है वो और भी प्रगाढ़ हो जाता है, है ना, क्योंकि स्नेह रूपी तेल से वो दीपक जल रहा होता है, इसलिए वो और भी उज्ज्वल हो जाता है। अब जो देवांगना रूपी कृष्ण है उन्होंने ये आरोप लगाया था कि देखो रास में भी तो तुमको छोड़ के चले गए थे, तुम तो ये कह रही थी कि श्री कृष्ण अगर हमको छोड़ करके अन्य नायिका के साथ रमण करते हैं तो वहाँ वो सुख नहीं पाते हैं, इसलिए मैं दुखी होती हूँ कि वहाँ जाते तो हैं पर ये सोचकर अत्यंत दुखी रहते हैं सारी रात कि मेरे वियोग में किशोरी जी की क्या अवस्था हो रही होगी। तो वो इतने दुख को प्राप्त करते हैं कि वो बार बार मूर्छित हो जाते हैं। चूँकि वो वहाँ सुख प्राप्त नहीं कर पाते हैं इसलिए मैं क्रोधित हो जाती हूँ, मान कर बैठती हूँ कि तुम वहाँ गए क्यों, जब तुम्हें सुख मिलना ही नहीं था वहाँ तो गए क्यों, तुम्हारे दुख को देखकर मैं बहुत दुखी हो गई। तो अब जैसे कि उन्होंने पूछा देवांगना रूपी कृष्ण ने कि तुमको स्मरण है रास के समय श्री कृष्ण का व्यवहार कैसा था, तुम लोग रास के लिए गई और फिर श्याम सुंदर भी रास के लिए तो आए थे, उन्होंने ही बंसी बजाकर बुलाया था और फिर उसके बाद कैसी कैसी उपेक्षा रूपी वचन उन्होंने प्रयोग किए थे और उन उपेक्षा रूपी वचनों के प्रयोग से भी तुम लोगों में धैर्य रहा, तुम धैर्य हारा नहीं हुई और रास प्रारंभ हुआ लेकिन अचानक ही श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्हित हो गए, वो वहाँ से चले गए और कितना विरह दे करके चले गए, याद है सब गोपियों को परित्याग कर दिया था और तो और तुमको लेकर चले गए बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा प्रेम बड़ा ही अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तुम्हें भी तो त्याग कर दिया था, फिर कैसे कह सकती हो कि श्री कृष्ण तुम्हें बड़ा प्रेम करते हैं। तुम प्रेम कर सकती हो कृष्ण को, ये समझ आ रहा है, पर श्री कृष्ण तो तुम्हें प्रेम नहीं कर सकते। तो अब किशोरी जी कह रही हैं हाँ ये सही बात है, रास में श्री कृष्ण ने समस्त गोपियों को परित्याग किया था, केवल मेरे साथ ही रमण किया था और उसके बाद मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया था, इसका क्या कारण है ये ध्यान से सुनो। देखो श्री कृष्ण प्रेम के समुद्र हैं और वो सबकी अपेक्षा मुझे ही सर्वश्रेष्ठ सोचते हैं कि मेरा ही प्रेम सर्वश्रेष्ठ है, मेरे प्रेम को सुमेरु पर्वत की तरह सोचते हैं और अन्य गोपियों का प्रेम उनके लिए चार सरसों के दाने के बराबर भी नहीं है। ये तो पहली बात बता दी गई थी, है ना। तो मुझे वो बहुत प्रेम करते हैं और सर्वश्रेष्ठा समझते हैं सबकी अपेक्षा, इसलिए इसमें उनका कोई अपराध नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण मुझको अनुपम सौभाग्य रूपी दिव्य रत्न सिंहासन पर बैठाकर उस रात अनेक विलास रूपी विभूषणों से मुझे विभूषित कर रहे थे और एक वन से दूसरे वन में हम भ्रमण कर रहे थे उनके साथ, तभी मेरे हृदय में एक बात आई। जब वो भ्रमण कर रहे थे मेरे साथ तो वो करोड़ों गोपियों में से किसी भी गोपी को याद नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ मेरे ही साथ रमण कर रहे थे, पर मेरे हृदय में एक बात आई, मैंने सोचा हाय हाय मैं इस अपार महासुख अमृत समुद्र में डूबी हुई हूँ
और मेरी सखी वृंद इसका एक बूंद भी नहीं पा सकी हैं, और वो हम दोनों के विरह ज्वर से अत्यधिक संतप्ता होकर के ना जाने कहाँ हमें खोज रही होंगी, ना जाने कहाँ वो क्या कर रही होंगी। अगर हम यहाँ पर थोड़ा समय और रुकें हम दोनों, तब वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते हुए हमें खोजते खोजते यहाँ आ ही जाएंगी। इस तरह से चिंतन करके मैंने कहा, हे प्रियतम, मैं और नहीं चल पा रही, मैं चलते चलते थक गई हूँ। अब हम कुछ क्षण यहीं पर विश्राम करें, क्योंकि वो सोच रही थी कि गोपियाँ ढूंढते ढूंढते आ जाएंगी, क्योंकि ललिता विशाखा आदि गोपियाँ बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो गई थी उनको ना देख करके। तो हम यहाँ ही विश्राम सुख अनुभव करें। श्री कृष्ण रसिक कुल मुकुटमणि हैं, इसलिए तत्क्षणात् उन्होंने मेरे हृदय के संपूर्ण भावों को पढ़ लिया। अब उनसे क्या छुपा है, वो ना भी चाहें तो भी पढ़ लेंगे, है ना, योग माया दासी जहां। बाद में रसिकाग्र गण्य श्री कृष्ण, उन्होंने मन ही मन में ये सोचा कि अगर मैं श्री राधिका को लेकर इस उपवन में भ्रमण करता हूँ, तब इस समय तो कुछ भी सुख हमें मिलेगा नहीं, श्री राधा रानी इस समय मुझे सुखी नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये सखियों के मन में अत्यंत दुख की संभावना करके अपने हृदय में अतिशय व्यथा अनुभव कर रही हैं, और अगर किसी के हृदय में, यानी राधा रानी के हृदय में दुख रहेगा, तब मिलन का सुख नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो दुखी रहेंगी। और यदि हम यहाँ रहते हैं, जैसे कि ये कह रही हैं कि कुछ क्षण यहाँ रुकते हैं, मैं थक गई हूँ, तब सारी गोपियाँ यहाँ पहुँच जाएंगी और हम दोनों को ईर्ष्या की दृष्टि से देखकर और कुटिल कटाक्ष करेंगी, क्रोधित आँखों से देखेंगी और प्रिया जी के प्रति अनेक समय तक ईर्ष्या रहेगी उनके मन में। इससे हम दोनों का केली रस भंग होगा और क्रोधवशता हो सकता है वो अपने अपने घरों को चली जाएं। अगर वो वापस चली जाएंगी तो फिर रास नृत्य रूपी विनोद संपन्न नहीं होगा, हम रास नृत्य का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो सखी, श्री कृष्ण ने मन में ये विचार किया कि यदि ब्रज सुंदरियों के साथ रास नृत्य नहीं होता तब फिर क्या होगा, तब हमें तो सुनने में लग रहा है कि अच्छा, श्री कृष्ण स्वयं आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें रास नृत्य का आनंद ही नहीं मिलेगा इसलिए वो बड़े दुखी हैं। तब कह रहे, नहीं नहीं, इसमें भी कारण मैं ही हूँ, ध्यान से सुनो। क्योंकि मैंने एक बार श्री कृष्ण से कौतुकवशतः प्रश्न किया था कि हे प्रियतम, क्या तुम एक साथ एक ही समय में असंख्य कुलवती गोपियों का आलिंगन कर सकते हो, असंख्य कुलवती गोपियों का, और वो देखने के लिए मेरी बड़ी ही लालसा जागृत हो रही है, तुम मेरी ये लालसा पूर्ण करो। अगर रास नहीं हुआ तो मैं किशोरी जी की ये लालसा कैसे पूरी करूँगा, ये तो असंभव है, इसलिए पहले श्री राधा को भी क्षण काल के लिए परित्याग करके स्वसौभाग्य के कारण कि कृष्ण मेरे ही साथ विचरण कर रहे हैं, इनका जो थोड़ा बहुत गर्व आया है उसको समाप्त किया जाए और इनको पूरी तरह से विनम्र और दोष रहित कर दिया जाए, है ना, दोष रहित कर दिया जाए। इस प्रकार मैं समस्त दोष को अपने मस्तक पर ग्रहण पूर्वक, यानी अपने मस्तक पर ग्रहण कर लूँगा और समस्त ब्रजांगनाओं को दिखाऊंगा कि राधिका का कोई दोष नहीं, जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया, इन्हें लेके गए, इन्हें भी छोड़ दिया, मैं ही दोषी हूँ, ये दिखाऊंगा। तो राधिका को त्याग करने के लिए, क्योंकि मैं राधिका को त्याग करूंगा और राधिका मुझे कितना प्रेम करती है और मैं उसे त्याग कर रहा हूँ, अर्थात मैं उनके प्रेम के अनुसार उनका भजन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं श्री किशोरी जी के निकट चिर ऋणी ही रह जाऊँगा, चिर ऋणी रह जाऊँगा। इस प्रकार का आचरण करने से समस्त गोपिकाएं श्री राधा जी के प्रति स्नेह युक्त हो जाएंगी, क्योंकि जब घूमते घूमते आएंगी तो वहां देखेंगी कि किशोरी जी हैं। और श्री राधिका
का जो अपार और अतुलनीय महाविरह यंत्रणा, महाविरह यंत्रणा, जब श्री कृष्ण किशोरी जी को छोड़ करके अंतर ध्यान हुए तो किशोरी जी मूर्छित हो गई, जबकि जब ब्रजरमणियों को छोड़कर अंतर ध्यान हुए तो उनमें से कोई मूर्छित नहीं हुआ। वो रोने लगी, व्याकुल हो गई, यहाँ वहाँ जाकर के पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से पूछने लगी, लेकिन कोई भी क्या नहीं हुआ, मूर्छित नहीं हुआ। किशोरी जी मूर्छित हो गई और महाव्याकुल दशा उनकी, महाव्याकुल दशा। तो अतुलनीय और अपार महाविरह यंत्रणा, जब प्रकाश करेंगी ब्रज सुंदरियों के निकट श्री राधा रानी, तब वो उनको विस्मय सागर में निमग्न कर देंगी। वो हैरान हो जाएंगी कि ऐसी विरह यंत्रणा तो हम सोच भी नहीं सकते हैं श्री कृष्ण के वियोग में, जो कि इनको अनुभव में हो रही है। वास्तव में इन्हीं का प्रेम बड़ा है, इनके प्रेम को नमस्कार करेंगी। तब वो समझ जाएंगी कि मेरे प्रति श्री कृष्ण का जो, मतलब मेरे प्रति श्री राधा रानी का कितना प्रेम है, और उनके अपने हृदय में जो प्रेमवती बोलकर गर्व है कि हम प्रेमवती हैं, हम श्याम सुंदर को जितना प्रेम करती हैं उतना कोई नहीं कर सकता, वो गर्व तुरंत दूर हो जाएगा किशोरी जी का प्रेम देखकर। और उसके बाद समस्त गोपियों का हृदय इस बात से युक्त हो जाएगा, उनके हृदय में ये रहस्य प्रकटित हो जाएगा कि हम सबकी अपेक्षा श्री राधिका ही श्रेष्ठतमा हैं, परम श्रेष्ठ हैं, और इस प्रकार मैं उनके हृदय में प्रिया जी के प्रति सम्मान जागृत कर दूंगा। जिस प्रकार मिलन रस श्री राधा रानी में ही अधिकांश रूप में प्रकाश होता है, आलादिनी शक्ति हैं, है ना, सबसे ज़्यादा उनमें ही है मादनाख्या महाभाव, इसी प्रकार विरह भी उन्हीं के अंदर शत कोटि गुण, 100 करोड़ गुणा से ज़्यादा अधिक प्रकट होता है उन्हीं के अंदर अन्य गोपिकाओं की अपेक्षा। श्रृंगार रस केवल मात्र श्री राधा रानी में ही संभोग यानी मिलन और विप्लंब यानी विरह के द्वारा अतिशय पुष्टि लाभ करता है, और बाकी ब्रज सुंदरियों को वो लज्जित कर देता है कि मिलन भी इनमें जो ऐसा है कि श्याम सुंदर इनके वशीभूत रहते हैं, मादनाख्या महाभाव है इनके अंदर, और विरह भी इतना महादावानल की तरह है, महायंत्रणादायक, कि वो विरह हम तो सह भी नहीं सकती हैं, अपने हृदय में उस विरह की अग्नि को जला भी नहीं सकती हैं, वो विरह नहीं आएगा। तो वो लज्जित हो जाएंगी सारी ब्रज सुंदरियाँ, और श्री राधिका को ही वो अपने गुरु के रूप में समझ लेंगी कि यही हमारी प्रेम गुरु हैं, प्रेम सीखना है तो इनसे ही सीखना है। तो हे सखी, श्याम सुंदर ने ये भी विचार किया कि ये सारी ब्रज गोपियां ये सोचेंगी कि श्री कृष्ण कामुक हैं, क्योंकि श्री राधिका की अपेक्षा प्रेमवती हमें त्याग करके गुप्त गुप्त चुपके चुपके जिसके साथ वो विहार कर रहे थे, ऐसा सोच करके जो वो क्रोध सहित कुछ समय पहले श्री राधा रानी की सखियों को देख रही थी, ललिता विशाखा आदि सखियों को देख रही थी रास में, और सोच रही थी कि श्री राधिका से ज़्यादा हम प्रेमवती हैं, श्री कृष्ण कामुक हैं, देखो राधिका को ले गए और हमें छोड़ दिया, जबकि हमें ज़्यादा प्रेम है उनसे, हैं, और साथ में उन्होंने हम दोनों पर दोषारोप लगाया था, यानी राधा रानी पर, श्याम सुंदर पर दोषारोप लगाया था, तो उन्हें मैं समझा दूंगा कि विरह अवस्था में श्री राधा रानी का प्रेम बाढ़वा नल की शिखा की तरह कोटि गुण अधिक वर्धित होता है। बाढ़वा नल किसे कहते हैं? एक तो है जंगल की आग, जो जंगल में आग लगती है, वो तो चलो पानी से, बरसात के पानी से बुझाई जा सकती है, कभी ना कभी बुझ जाती है। एक होती है समुद्र के नीचे जो आग लगती है, मतलब पानी के अंदर जो आग लग जाए, वो बुझाना बहुत मुश्किल है। तो बाढ़वा नल की जब कोई शिखा प्रकट होती है, शिखा उसकी लपटें जब प्रकट होती हैं, तब वो बहुत ही अधिक परिमाण में होती हैं, गर्म होती हैं। तो विरहिणी राधा रानी के निकट जब वो आएंगी
तो श्री किशोरी जी की प्रेम रूपी अग्नि की जो शिखा समूह है, जो लपटें निकल रही हैं, वो बलपूर्वक उनको चाटने लगेंगी। यानी वो सारी शिखाएं बलपूर्वक इन्हें अपनी लपेट में ले लेंगी। ये उसकी गर्माहट, उस विरह की गर्माहट, उस विरह की ताकत, उस विरह की यंत्रणा का भोग करने लगेंगी सारी की सारी ब्रज किशोरियाँ। और तब वो समझ जाएंगी कि इनका तो प्रेम है बाड़वा नल की अग्नि के शिखा की तरह, और हमारा जो प्रेम है वो शुद्र दिए टिमटिमाते हुए दिए की लपट की तरह है। इतना बड़ा फर्क है, प्रेम तो वहां भी है पर दिए की अग्नि की छोटी सी शिखा, क्षुद्र दीपाग्नि। तो इस प्रकार जो मैं चाहता हूं कि सारी ब्रज सुंदरियां संभावा हों, वो संभावा हो जाएंगी किशोरी जी का प्रेम देखकर। और रास नृत्य में जब वो मंडलाकार रूप में अवस्थान करेंगी, मंडल बनाएंगी गोल गोल, है ना, गोलाकार, तब उस समय मैं उस मंडली के मध्य स्थल में श्री राधिका को लेकर विराजमान होऊंगा अपनी कांतिमती के रूप में, कि ये मेरी कांतिमती हैं, है ना, यही हमारी मुख्य गोपी हैं, यही हैं रास की ईश्वरी, रासेश्वरी। तब उनके अंदर कोई भी ईर्ष्या प्रकाशित नहीं होगी। फिर ये बड़ा सुंदर एक दृष्टांत दे रही हैं श्री राधा रानी। वो कह रही हैं जैसे कि जगत में भविष्य में अपने नेत्रों को अच्छा करने के लिए कोई बहुत तेज काजल का इस्तेमाल करे, तेज काजल लगाए तो उसके आंसू पे आंसू आते हैं, मूर्छित हो जाती हैं, जैसे आंखें काफ़ी समय तक बंद रहती हैं, बड़ी पीड़ा होती है, है ना, लेकिन बाद में वो अच्छे से देख पाता है, उसकी नज़र बड़ी ही तेज़ हो जाती है। इसी प्रकार कोई हितैषी मित्र अपने बंधुजन को यदि किसी समय कष्ट देता है तो वो इसलिए देता है कि बाद में उसको इस कष्ट से बड़ा ही सुख मिलने वाला है। तो अभी अगर मैं राधा जी को छोड़ जाता हूँ तो इनको बड़ा ही सुख मिलेगा हमेशा के लिए, फिर कोई इनसे ईर्ष्या नहीं करेगा, तभी बड़ी सुखी होंगी, तब कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा जब मैं किशोरी जी के साथ विहार करूँगा, है ना। तो इसलिए मैं अभी राधा रानी को कुछ यंत्रणा दूंगा विरह की, लेकिन भविष्य के मिलन के लिए ये जो है यंत्रणा सुखमय साबित होगा, भविष्य के मिलन के लिए ये यंत्रणा सहनी होगी भविष्य के सुख के लिए। तो हे देवी, देवांगना, हे रमणी, मेरे प्रियतम इस प्रकार से सोचकर अनुराग सहित मुझे अपने वक्ष में धारण करते हुए कुछ एक कदम चलने के बाद बोले, प्रिय क्षण काल तुम यहाँ पर बैठो। और ये बात बोलकर उन्होंने मुझे एक बहुत ही कोमल स्थान पर बिठा दिया और वो वहां से अंतर्हित हो गए। सखी, प्रियतम श्री कृष्ण, जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं अतिशय दुखी हो गई, विरह में शोकाकुल हो गई, तब वो भी अधैर्य युक्त हो गए, उनका भी धैर्य समाप्त हो गया। और इसके लिए वो सोचने लगे मैं साक्षात दर्शन दे देता हूँ, क्योंकि वो दूर नहीं गए, वहीं छुप गए आसपास। लेकिन तभी क्या हुआ, सारी गोपियाँ आ गईं, मेरी सखियाँ आ गईं, उन्होंने जब मेरा दुख देखा तो अतिशय दुखित हो गईं और मुझे सांत्वना प्रदान करने के लिए वो प्रयास करने लगीं सारी की सारी गोपियाँ। और श्री कृष्ण की बात जो तुमने कही, क्योंकि देवांगना, श्री कृष्ण ने अपने ऊपर एक आरोप लगाया था कि जो तुम्हारे श्री कृष्ण हैं उन्होंने कितने पाप किए हैं, उन्होंने जो है गैया के बछड़े की हत्या की, बैल की हत्या करी, स्त्री की हत्या करी, और इस तरीके से कितने कितने पाप लूटे हैं। तब वो बोल रही हैं कि देखो, जो तुमने कहा कि वृषभ आकृति अरिष्टासुर की श्याम सुंदर ने उनका वध किया, या बकासुर का किया, या सर्प की आकृति लिए हुए अघासुर का किया, और जो गोवत्स की आकृति लिया था, यानी बछड़े की आकृति, वो था वत्सासुर, उसको मारा, या कपट वेश धारिणी पूतना राक्षसी को मारा कि भाई स्त्री की हत्या की, तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। क्यों?
क्योंकि सज्जन पालन कारिणी उच्चतरा विष्णु शक्ति, यानी श्याम सुंदर के अंदर एक और शक्ति है, तुम्हें राज की बात बताती हूँ, वो है विष्णु शक्ति, और वो सज्जनों का पालन करती है, दुर्जनों का नाश करती है, उसका यही कार्य है। तब श्री कृष्ण से आविर्भूत होकर के उसी ने असुरों को मारा, कृष्ण ने नहीं मारा। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। अतः विष्णु तखुन कृष्णेरो शरीरे, विष्णु द्वारे कोरे कृष्ण असुर संहारे। है ना कि भगवान जो स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन है, उनका ये काम नहीं है कि वो भूभार हरण करें, लेकिन जो पालन करते हैं, पालन करता विष्णु, वो उनके शरीर में ही आए थे अवतार के समय, वहीं पर बैठे हुए हैं, वो जगत का पालन करते हैं, इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर से जो है असुर को संहारा, कृष्ण के शरीर में बैठे बैठे। गर्गाचार्य जी ने ब्रजराज श्री नंद के निकट कहा था, हे ब्रजराज, आपका ये पुत्र श्री नारायण के जैसा है, दैत्यवध आदि और गोवर्धन धारण आदि अलौकिक कर्म सकल मुनिवर के इन वाक्य समूहों के साक्षी स्वरूप हुए। यानी जो मुनि ने कहा था ना कि ये नारायण स्वरूप है, तो ये देखो ना, श्याम सुंदर ने दैत्यवध किया, गोवर्धन उठाया, तो इसका मतलब नारायण जैसे तो ये हैं ही, कुछ नारायण की शक्ति इनके अंदर है ही। सही बात कही थी उन्होंने। लेकिन हे देवी, यद्यपि नामकरण काल में जब गर्ग मुनि श्याम सुंदर का और बलराम जी का नामकरण कर रहे थे, नाम दे रहे थे, उस समय श्री गर्ग जी ने ये बात नहीं कही, तथापि उस समय तो नहीं कही, लेकिन तथापि हमारे मन में स्वभावता ही अपने आप से ही एक स्फूर्ति आ गई। उन्होंने ये कहा कि ये श्री कृष्ण नारायण जी जैसे हैं, पर जो उन्होंने नहीं कहा वो हमने सोच लिया, वो बात हमारे अंदर आ गई। क्या बात थी? श्री नारायण भी रूप में, गुण में और माधुर्य में कभी भी अघरिपु श्री कृष्ण का साम्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, श्री कृष्ण के समान नहीं हो सकते, वो माधुर्य में, गुण में, रूप में, ऐसा हमें समझ आ गया। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है ये बात। क्या कही गई है बात? कि श्री लक्ष्मीकांत श्री नारायण और श्री कृष्ण सिद्धांत के विचार अनुसार एक ही हैं, अभिन्न है, स्वरूपगत अभिन्नता है ना, एक ही तत्व है। तथापि आस्वादन विशेष, आस्वादन की दृष्टि से श्री कृष्ण साक्षात मनमथ मनमथ रूप हैं, यानी उनकी रूप, उनके लीला, उनकी वेणु माधुरी और उनके जो प्रेम माधुरी है ब्रज गोपियों के साथ, उन सब माधुरी में वो श्री नारायण की अपेक्षा कोटि कोटि गुणा सर्वश्रेष्ठ है। ये जो चतुर माधुर्य है ये श्री नारायण में देखने में नहीं आता है, ये हमारे श्री ब्रजेंद्र नंदन में देखने में आता है। ये हमें लग गया था, ये बात हमारे अंदर स्फूर्ति हो गई थी, श्री राधा रानी बोल रही हैं। श्री प्रियतमा श्री राधा रानी उनके ये सब कानों को आनंद देने वाली बात सुनकर के देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण अत्यंत कौतुक के साथ फिर से बोलने लगे, राधे, तुमने प्रेम के जो लक्षण कहे, वो समस्त लक्षण वाले प्रेम, वो सब लक्षण तुम में हैं और ये प्रेम भी मात्र तुम में है, तुम ही इस प्रेम का परम आश्रय हो, ये मुझे समझ आ गया। प्रिय सखी, तुमने जो कहा कि जिसके द्वारा प्रियतम का दोष भी गुण लगने लगे, हाँ, और प्रियतम के द्वारा दिया गया अनंत कष्ट भी अमृत जैसा लगने लगे, और जिस प्रेम के कारण प्रियतम का अल्पमात्र दुख भी सहन ना हो सके, और हम अपना देह त्याग अंगीकार कर लेंगे लेकिन हम उसको त्याग नहीं कर पाएंगे, ये भी तुमने कहा। प्रियतम की कोई महिमा ना भी हो लेकिन जिस वस्तु के द्वारा, यानी प्रेम के द्वारा अनुपम महिमा तुम बार बार अनुभव करती रहती हो, उसे ही ना तुम प्रेम कह रही हो, और वो प्रेम तुम में ही है। ये सारे जो लक्षण बताए प्रेम के वो सिर्फ तुम में हैं। हे राधे, मैं समझ गई हूँ ये प्रेम तुम में है, क्योंकि ये मैंने पहले भी
पार्वती जी की सभा में ये बात श्रवण की है और आज साक्षात मैंने देख लिया है, तुम्हारे श्रीमुख से सुन लिया है कि तुम कितनी प्रेमी हो। किंतु सखी, निश्चित बात है श्री कृष्ण तुम्हारे जैसे प्रेमी नहीं है, ये सत्य जान लो, क्योंकि मुझे उनके आचरण के द्वारा यही बात समझ आई, उनका आचरण प्रेमिक का आचरण नहीं है। और तुम्हारे अनुताप रूपी दावानल में दग्ध जो मेरा प्राण है ना, वो भी मुझे यही कह रहा है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारा अनुताप, हाय मैंने क्यों प्रेम किया, हाय हाय जिसको प्रेम किया वो ऐसा निकला, मैंने सोचा था वो राधा वल्लभ है, वो तो बहुजन वल्लभ निकला, तुम जो वो विलाप कर रही थी सब सुना है मैंने, है ना, तो जितना तुम रोई मैं जानती हूँ। तो तुम्हारा जो अनुताप है, जो पश्चाताप है कि क्यों प्रेम किया जो प्रेम के काबिल नहीं था, वो सब मेरे कान में पड़ा हुआ है ना, और तुम्हारी सखियाँ भी इस विषय में प्रमाण हैं, वो भी तुम्हारे दुख से दुखी होती हैं, ठीक है ना। तो तुमने जो कहा कि मुझे रास आदि में त्याग करके जो मेरा श्याम सुंदर है उसका ये अभिप्राय है, वो मैं कैसे विश्वास करूं, मैं तो विश्वास नहीं करती, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, श्याम सुंदर तुम्हें जब छोड़ के चले गए तो तुम कितना अनुतप्त हुई, देखा है कितना तुमने पश्चाताप किया कि मैंने किससे प्रीति लगा बैठी। तो देखो, तुम ना तो श्याम सुंदर के मुंह से ना ही उनके किसी सखा के मुंह से ये बात श्रवण करोगी, तुमने उनके मुंह से ये श्रवण ही नहीं किया है कि वो तुम्हें प्रेम करते हैं। और अगर वो अगर कह भी दें कि वो तुम्हें प्रेम करते हैं, सच में उनके सखा भी बोलें कि हाय हाय किशोरी जी के बिना श्याम सुंदर नहीं रह सकते, तो भी मैं उन पर विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि वो लोग भला इस ब्रज में जन्म ले चुके हैं, जन्म से कब उन्होंने सत्य बात बोली, वो तो जन्म से ही झूठे हैं वो और उनके सखा, तो मैं तो विश्वास नहीं करूंगी। तब राधा रानी ने बोला, सखी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चित्त में जब भी जो भाव पैदा होता है मैं वो समस्त भाव समझ लेती हूं, जो भाव जब भी प्रकट होता है। उसके उत्तर में देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण हंसी उड़ाते हुए बोली, राधे क्या तुमने अच्युत सहित संयोग का उपाय निरूपणकारी शास्त्र अध्ययन किया है कि उनके साथ कैसे मिलना है और कैसे नहीं, उसका उपाय बताओ, ऐसा कोई शास्त्र होगा, बहुत सारे उपाय होंगे उसमें है? जिससे कि तुम श्री कृष्ण के काया और उसके मन के अंदर भी प्रवेश कर लेती हो और पता लगा लेती हो कि इस समय इनकी क्या स्थिति है। श्री राधा रानी ने कहा, तुम तो देवी हो, मानुष थोड़ी हो, देवी हो, इसलिए अच्युत योग सिद्धि के लिए तुम ही निरंतर व्यग्र रहती हो, है ना, ये सारे काम तुम लोगों के हैं, देवियों के, तंत्र आदि करना, मंत्र आदि का प्रयोग ये देवियां करती हैं, हम तो मानुष ही हैं, मानवी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी तरह ये सब थोड़ी ना कर पाऊंगी जो तुम इतनी बड़ी बात बोल गई। अरे प्रियतम के मन के भाव में कैसे जान पाती हूँ, यही ना तुम पूछ रही हो, अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, अन्यथा बेकार की बात का कोई प्रयोजन नहीं है, अगर विश्वास करो तो बताऊं। तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे राधे तुम यदि मेरा विश्वास पैदा करने की युक्ति दिखा सको और यदि इस विश्वास को पैदा करने के लिए तुम्हारे अंदर सामर्थ्य रहे तब मैं क्यों ना तुम पर विश्वास करूंगी। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है कि तुम विश्वास करा पाओ और वाकई कोई उपाय दिखा पाओ कि जिससे मेरे को विश्वास करना ही पड़े तो विश्वास हो जाएगा। तब तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण गुण समुद्र हैं, ये बात सही है, मैं मानती हूँ उनके अंदर बहुत सुंदर गुण हैं, दिव्य गुणावलियाँ हैं, लेकिन वो प्रेमिक हैं ये तो सिर्फ तुम्हारी ही बात है, ये तो तुम ही बोलती हो, मैं नहीं मानती वो प्रेमिक नहीं है। श्री राधा रानी बोली, प्रिय सखी तुम परिहास करने में बड़ी ही निपुण हो, क्योंकि जो दूसरे को अत्यंत प्रेम करता है
फिर भी उसका मन समझ नहीं पाता, यहाँ तक कि जिसको अनुभव कर रहा है उसको ही फिर से दूसरे के काया और मन में प्रवेश करने के विषय में विद्या विशिष्टा ये बात बोलकर उसका परिहास करता है। ऐसी तुम ही हो सकती हो, यानी मैं अपने श्याम सुंदर को अच्छी तरह से महसूस करती हूँ, उसके भाव को जानती हूँ, लेकिन तुमने ये बात सुनकर मेरा मजाक उड़ा दिया कि मैंने कोई विद्या पढ़ी हुई है, तो ऐसा तुम मेरा परिहास करती हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, हे राधे, तब तुम एक बात बताओ, जिस समय श्री कृष्ण ने तुम्हें त्यागा उस समय तुम इतना ऊंचे स्वर में क्यों रो रही थी कि तुम्हारा रोना सुन करके पशु पक्षी भी रोने लग गए? जब इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कह रही हो, श्री कृष्ण के प्रेम पर इतना भरोसा है, तो ये रोना कहाँ से आ गया? इतनी तेज तेज रो रही थी चीख चीख के, श्री कृष्ण का हृदय जानकर तब तुम सुखी क्यों नहीं हुई? तब श्री राधा रानी ने कहा, देवी तुम सत्य बात कहती हो, लेकिन ठीक से सुनो। हालांकि मैं श्री कृष्ण के हृदय को जानती थी, तो भी उनके अदर्शन की एक ऐसी विवेक हारणी शक्ति थी जिसने मेरे विवेक को हर लिया उनके विरह ने, कि मैं उस समय ज्ञान हारा हो गई, मेरे अंदर कोई ज्ञान ही नहीं रहा और मैं उच्च स्वर में रोने लगी। तब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, गांधार्विके, तुम जो श्री कृष्ण के मन को जानती हो इसमें मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे मन को जानते हैं कि नहीं ये मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, तुम तो जानती हो, तुम्हारी बातें तो अब मुझे समझ आ रही हैं। तब श्री राधा रानी ने कहा, सखी, श्री कृष्ण मेरे चित्त को जानते हैं कि नहीं ये तुमने क्या पूछा? अरे इसका जो रहस्य है वो मैं तुम्हें बताती हूँ, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम के द्वारा चंचलता को प्राप्त कर रही हूँ, तुम मुझे मुग्ध करती जा रही हो। करे क्यों ना, है तो श्री कृष्ण इसलिए ये बात कहीं और प्रकाशित नहीं करनी चाहिए मुझे, ये हृदय की बात है, तो अभी तुम सुन ही लो, मैं तुम्हारे निकट ये प्रकाशित कर देती हूँ। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, अई राधे, मैं जिस रहस्य विशेष का श्रवण करने की इच्छा प्रकाश कर रही थी उसमें मेरी धृष्टता प्रकाशित हुई और तुम्हारी प्रीति से चंचल होकर के ही मैंने तुमसे ये प्रश्न किया है। मुझे उस रहस्य को श्रवण करने की धृष्टता नहीं करनी चाहिए थी, मगर तुम्हारे प्रति जो मेरे हृदय में इतना प्रेम है वो मुझे चंचल कर रहा है, मैं भी चंचल हो रही हूँ, इसलिए अब मैं पूछ ही रही हूँ कि बता ही दो क्या राज है। तो ये वृतांत बहुत ही रहस्यपूर्ण है, तो भी तुम्हारी ये जन उसे जिस रूप में सुनने की इच्छा कर रही है ठीक उसी रूप में तुम उसका वर्णन करना, कुछ इधर उधर छुपाना मत, बिंदु मात्र भी छुपाना मत। तब श्री राधिका बोली, ये बड़ा ही प्यारा है। श्री राधा रानी कह रही हैं, हम दोनों ही एक दूसरे के चित्त में नित्य अवस्थान करते हैं और हम दोनों ही एक दूसरे का मन जानते हैं। इस प्रकार जो लोक में एक प्रवाद है वो आरोप मात्र है, यानी अगर ये कहा जाए कि हम दोनों एक दूसरे के चित्त को जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे का मन जानते हैं, हम दोनों एक दूसरे के चित्त में अवस्थान करते हैं, ये बहुत दूर की बात है। सत्य ये है कि हम दोनों ही एक हैं, हम दो नहीं हैं, हम एक हैं, इसलिए एक होकर के दो होना कभी भी संभव नहीं। किशोरी जी बोल रही हैं, जिस तरह एक सरोवर में एक ही नाल एक है, एक ही तना, और उसमें दो पुष्प खिल जाएं, एक हो नीला एक हो पीला, तो क्या कहोगी, वो दो अलग अलग हैं कि एक ही हैं, क्या कहोगी? तो अतिशय गंभीर परम रसमय एक ही आत्मा में नीला और पीले वर्ण का हमारी जो दो देह है वो एक ही प्राण रूपी सूत्र में संग्रथित हुई है।
एक ही प्राण रूपी धागे से बंधी हुई है, अर्थात अर्थात हम दोनों में देहगत पार्थक्य, देहगत जो अलग अलग हम दो देह दिख रहे हैं वो दिख रहा है, लेकिन स्वरूपतः हम दोनों एक हैं, हमारा अलग स्वरूप नहीं है। कारण वो स्वरूप से आनंद है और मैं स्वरूप से आह्लादनी हूं। शक्ति और शक्तिमान के बीच, अग्नि और अग्नि की जलाने की शक्ति की तरह, जैसे उनमें कोई अलगाव नहीं, अंतर नहीं, दोनों एक हैं, इसी तरह जब तक तुम्हारी दृष्टि स्वरूप और शक्ति की तरफ रहेगी तब तक तुम हम में भेद नहीं देख पाओगी। किंतु परस्पर के आस्वादनगत विचार से हमने मूर्त रूप धारण किया, हम बन गए, मैं हो गई राधा, वो हो गए कृष्ण। आपस में एक दूसरे का आस्वादन मूर्त रूप धारण करके होगा, शक्ति के द्वारा नहीं होगा कि शक्ति शक्ति का आस्वादन कर रही है। हमने एक विग्रह का रूप धारण किया, वो श्री कृष्ण का विग्रह हो गए और मैं उन्हीं की शक्ति प्रिया जी का विग्रह हो गई और एक दूसरे का आस्वादन किया। किंतु अगर हम ऐसा नहीं करती तब हमारा आस्वादन नहीं होता एक दूसरे का, क्योंकि लीला के अलावा परस्पर का सविशेष आस्वादन नहीं हो सकता। लीला ही में सविशेष सविशेष साकार सविशेष सगुण आस्वादन होता है, है ना। सुंदर जो गुणों से युक्त श्याम सुंदर है, उन्होंने जो रूप धारण किया और मैं ऐसे ही गुणवान रूपवान रूप धारण किया और हम दोनों साकार सविशेष होकर जो एक दूसरे का आस्वादन कर रहे हैं, वो फिर बिना मूर्त रूप धारण किए संभव पर नहीं होता। लीला तभी होगी जब रूप होगा, जब व्यक्तित्व होगा, तभी तो लीला होगी। जब रूप ही नहीं है, ब्रह्म की कौन सी लीला है? ब्रह्म की तो कोई लीला नहीं है, परमात्मा कौन सी लीला करते हैं? कोई लीला ही नहीं है। तो इसलिए कह रही हैं कि अगर हम मूर्त नहीं होती तो लीला नहीं हो सकती थी। तो ये जो श्री श्री राधा कृष्ण हैं, ये अपने अपने हृदय में विपरीत, यानी श्री राधा जी का हृदय श्री कृष्ण से युक्त है, उनके हृदय में श्री कृष्ण विराज करते हैं और श्री कृष्ण के हृदय में श्री राधा रहती हैं। बाहर से भी श्री राधा श्री कृष्ण की अंग कांति की तरह श्याम वर्ण का परिधान पहनती है, वस्त्र पहनती है, और श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी की कांति के जैसे स्वर्ण रंग के वर्ण के पीतांबर को धारण करते हैं, पीत वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं। ये देखकर पंडित गण ये ही निर्देश करते हैं कि कोई एक अनिर्वचनीय पवित्र प्रेम स्फूर्ति रूप में विलास करने के लिए मूर्ति भाव स्वीकार करके पृथक और अपृथक रूप से आविर्भूत हुए हैं। वो पृथक भी हैं और वो अपृथक भी हैं। पृथक दिख रहे हैं, प्रिया जी अपने घर जा रही हैं और परकीया भाव है, पृथक दिख रहे हैं, और जब तत्वतः जब विचार किया जाए तो वो अपृथक हैं। श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। राधा कृष्ण एक आत्मा है, दो देह धारण करके अपने ही विलास रस का आस्वादन करते हैं। और जिस प्रकार एक पात्र में, एक दिए में बहुत सारा तेल है और उसमें एक बत्ती है, और बत्ती जो है वो दोनों मुख के आगे, मतलब ऐसे बाती लगाई गई है कि एक मुख इस तरफ एक मुख इस तरफ और दोनों ही मुख जल रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? दो दिए जल रहे हैं कि एक दिया जल रहा है? और उधर वाला कोई देखेगा तो इस बाती को देखेगा, उधर वाला कोई देखेगा तो इस बाती को देखेगा, बोलेगा दो बाती जल रही है, पर दिया भी एक है, तेल भी एक है और बाती भी एक है, दिख दो जगह से रहे जलते हुए, है ना। ऐसे हम दो दिखते हुए भी एक हैं, किशोरी जी बता रहे हैं। तो इस तरह से एक ही आत्मा में एक ही प्राण से बद्ध हमारे दोनों देह परस्पर का दुख दूर करके अपने पास स्थित सखियों को भी आनंदित करती रहती है।
हे सखी, जिस समय विरह रूपी पवन आती है तब हमारी देह रूपी प्रदीप, दोनों का प्रदीप कांपने लगता है और हम एक ही साथ मूर्छित हो जाते हैं। श्याम सुंदर भी और मैं भी मूर्छित हो जाती हूँ, हम दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तब उस समय हमारी निपुणा जो सखियाँ हैं वो व्यग्रता के साथ उस विरह रूपी पवन को हटाने के लिए यत्नवती होकर, प्रयासवती होकर दोनों को दोनों का संग रूपी सुख आस्वादन कराने का प्रयास करके सुखी करती हैं, दोनों का संगम जिससे हो जाए। तो हे कल्याणी, मैंने प्रेम का परम गोपनीय रत्न अपने हृदय रूपी श्रेष्ठ संपुट से निकाल कर तुम्हारे आगे धर दिया, तुम्हें दिखाया। इससे तुम्हारे संदेह रूपी अंधकार को मैंने दूर करने का प्रयास किया। तुम निरंतर इसे हृदय में धारण करना, पर बाहर किसी को मत बताना मेरे हृदय की बात। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे सखी, तुमने जो जो बोला वो सब युक्ति युक्त ही बोला है, ये मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चित्त बड़ा दुष्ट है, क्योंकि मैं तुम्हारे वाक्य की परीक्षा करना चाहती हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ जो कुछ तुमने बोला। हे सखी, तुम यहाँ हो और तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण अपने पिता के घर हैं, या हो सकता है गोपालन के लिए वन में हो। अगर तुम्हारी एकात्मता है कि तुम दोनों एक ही हो, एक प्राण हो, चलो मैंने विश्वास किया, परंतु उसे परीक्षा लिए बिना कैसे सिद्ध करूंगी। तुम्हें परीक्षा देनी होगी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहूंगी ताकि वो सिद्ध हो। हे सुमुखी, जिस समय तुम्हारे चित्त में जिस वस्तु की जो स्मृति जिस भी प्रकार से हो उदित हो, श्री कृष्ण के चित्त में भी, श्री कृष्ण के चित्त में भी यदि उसी समय उसी वस्तु की वही स्मृति उसी प्रकार से उदित हो, और वो दोनों चीज मैं अभी यहीं पर देख पाऊं, तब मैं विश्वास कर लूंगी, तब मैं विश्वास कर लूंगी कि तुमने जो कहा वो सही है। तुम्हारे प्रिय चाहे निकट रहे या दूर रहे, यहां शीघ्र आगमन करें, ऐसा अगर तुम अभी स्मरण करो और वो तुरंत तुम्हारे पास आकर उपस्थित हो जाएं, तब मैं समझ लूंगी कि तुम दोनों एक आत्मा हो, और ये जो जानकारी है मुझे सदा सर्वदा सुख प्रदान करेगी। किंतु यदि यदि तुम दोनों एक दूसरे का स्मरण करो और उसी समय कोई गुरुजन की पराधीनता रूपी अवरोध आ जाए कि किसी गुरुजन ने तुम्हें पकड़ लिया, या कोई दैत्य आ गया श्याम सुंदर के पास, या कोई अन्य विघ्न आ गया और तुम्हारा मिलन नहीं हो पाया, तो मैं कोई झगड़ा नहीं करूंगी, मैं विवाद नहीं करूंगी, क्योंकि विघ्न आ गया तो मैं समझ जाऊंगी। हाँ, लेकिन सखी, हे मदिराक्षी, हालांकि तुम गुरुजन के घर में यानी अपने सास ससुर के घर में उनके डर से संकुचिता होती हो और तुम अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अपने पास बुला नहीं पाती हो और स्वयं ही दूर जाकर उसके पास अभिसार करती हो, और अपने सुख के लिए अगर वो तुम्हारे पास आगमन करने की इच्छा करते हैं तो वो भी अपने सुख के लिए कभी भी वो यहाँ आए तुम्हारे पास, ऐसे तुम इच्छा भी नहीं करती हो कि तुम्हें वो आके सुख दें, वो भी हमें अच्छी तरह से पता है। तथापि हे सखी, हे कृष्ण प्रिय, हमारे अनुरोध पर यानी अपनी सखी के अनुरोध पर एक बार श्री कृष्ण का स्मरण करो, वो आगमन करें और मैं देखकर सुखी हूं। विशेषतया अभी जबकि तुम्हारे गुरुजन यहां आ नहीं सकते हैं और वो घर पर नहीं है, अतः तुम निसंकोच मेरे इस संशय से उत्पन्न दुख को दूर कर सकती हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से प्रार्थिता होकर, प्रार्थना सुनकर श्री विश्वभानु कन्या श्री राधिका युक्ति सहित बोलने लगी, हे सखी, मेरा उपहास ना करो, तुम यदि जो बोल रही हो वो मैं ना कर पाई
तब तो मेरा प्रेम ही लज्जित हो जाएगा और मुझे हमेशा के लिए दुख प्रदान करेगा। तो फिर तुम मुझसे ये सब मत कहो, हे देवाराध्या, हे मेरे सर्वाभीष्ट प्रदानकारी, हे कृपामय, हे पद्मनीश, हे सत्य मिथ्या सबके साक्षी स्वरूप, हे मेरे उपास्य देवता भगवान सूर्यदेव, राधा कृष्ण सदा ही एक आत्मा है, ये जनश्रुति यदि सत्य हो तब श्री कृष्ण अभी मेरे निज अंतरंग परिजन वर्ग को सुखी करने के लिए मेरे नयनों के प्रत्यक्ष आविर्भूत हो जाएं। सूर्यदेव जी को कह रहे हैं कि मैंने आप मेरे पे कृपा कीजिए कि ऐसा हो। ये कहकर श्री विश्वभानुनंदनी श्री राधिका अपने दोनों नेत्रों को मुद्रित करके बंद करके और अपने कांत श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। तब जिस समय योगिनी की तरह उन्होंने अपनी इंद्रियों की वृत्तियों को संयत कर लिया और मौन की मुद्रा का अवलंबन करके वो बैठ गई, ऐसे ही अवसर में श्री कृष्ण ने तुरंत अपना स्त्री वेश हटाया और उनकी परिचय प्राप्त समस्त सखियों को कटाक्ष के द्वारा इंगित करके अपनी पक्षपातनी कर लिया कि कोई खोल के बोल ना दे कटाक्ष के द्वारा कि चुप चुप और अपनी प्रेयसी को अपनी गोद में लेकर के मुहुर मुहुर अविरत चुम्बन करते हुए आलिंगन करने लगे। जय हो, जय हो, जय हो श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो। उसी समय श्री राधा सर्वांग से रोमांचिता होकर आनंदाश्रु वर्षण करते करते ध्यान में श्री कृष्ण आए हैं ये समझ गई और बाहर भी श्री कृष्ण का दर्शन करके आनंद समुद्र में निमग्न हो गई। तब श्री राधिका सत्य सत्य ही योगिनी की तरह निरंजन दृष्टि से संपन्न हुई और ब्रह्म साक्षात करने लगी, अर्थात आंसुओं के जल से नयन का काजल धोने लगी, इतना रोने लगी। अनंतर क्षण काल के मध्य संज्ञा लाभ कर जब वो उन्हें होश आया तो सुलोचना श्री राधिका अपने वस्त्रांचल से अपने मुंह को ढक कर के लज्जित हो गई, लज्जित हो गई। उस समय श्री ललिता जी श्री नागरवर श्री कृष्ण को बोलने लगी, अहो विलासिन, तुम अन्यों के अलक्षित भाव से यहाँ कैसे आ गए, ये तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। उन्होंने वो जानती हैं कि ये तो देवांगना ही है पर बता नहीं रही है, कह रहे तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए चुप चुप के। एकमात्र कुल वधुओं के प्रवेश योग्य इस अंतःपुर में पवन भी नहीं आ सकती और यहाँ तुम पुरुष निर्भय रूप से प्रवेश कर लिए, ये तो महासाहसिक गणों के शिरोमणि के रूप में तुम अपनी गणना कराना चाहते हो। जहाँ पवन आने में डरते हैं वहां तुम पुरुष होकर के आ गए, बड़े दुस्साहसी हो तुम। जो जो राधा रानी प्रखराओं में अग्रणीय यानी जो प्रखरा स्वभावा सखियां हैं तेज स्वभाव की, उसमें अग्रणीय मैं, मतलब उसमें जो सबसे तेज सखी मैं हूँ, मेरे द्वारा ये सर्वदा रक्षिता होती हैं, जिनकी कीर्ति रूपा नदी में साध्वी रमणीगण श्रवण कीर्तन रूपी स्नान करके पवित्रता लाभ करती हैं, अर्थात जो परम सती हैं, जिनका पातिवृत्य धर्म वांछे अरुणधति, यानी जो स्नान करके सूर्यदेव की पूजा करने के लिए अर्थात श्लेष में अर्थात अपने प्राण बंधु श्री कृष्ण के संतोष विधान करने के लिए आसन में बैठकर सूर्य अर्थात श्री कृष्ण का ध्यान करने के लिए नयन युगल बंद करके रह रही हैं, ऐसी वृषभानु राजकन्या श्री राधिका का अंग तुम बलपूर्वक स्पर्श कर रहे हो, क्या तुम्हें सूर्य देव से भी डर नहीं लग रहा है? लज्जा किसे कहते हैं ये तो तुम्हें पता ही नहीं। अरे लोक मर्यादा और धर्म मर्यादा इसको भी तुम नहीं जानते हो। हे माधव, आर्या जटिला यानी श्री किशोरी जी की सास जटिला और वो इनका जो क्रुद्ध पति है वो भी अभी घर में नहीं है,
इसलिए मैं तुम्हारे सौभाग्य की प्रशंसा करती हूँ। और हम सब सखियाँ भी अबला हैं, है ना, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएंगी। हे लंपटवर, सौभाग्यवश आज बहुत ही किस्मत से, भाग्य से तुमने इस विपदा से रक्षा पाया है। इस स्थल में ललिता जी श्लेष वाक्य द्वारा, यानी चुप चुप के जो सही बात कह रही हैं, ऊपर में एक अन्य बात कह रही हैं, अंदर जो ढका हुआ मायने हैं वो ये कह रहे हैं कि हे कृष्ण, इस समय आर्या और क्रुद्धपति घर में नहीं हैं और हम भी आपका सुख अभिलाष चाहती हैं, इसलिए आप निसंकोच हमारी सखी श्री राधिका के सहित विहार करो। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ललिते, इस विषय में मेरा कोई अपराध नहीं। अरे, मैं तो गौशाला के प्रांगण में क्रीड़ा करते करते घूम रहा था, दैवात तुम्हारी राधिका की याद आ गई मुझे, उसके बाद जैसे कि कोई देवता ही मुझे यहाँ पर ले आया, मैं अपने से थोड़ी ना आया। श्री राधिका ने कहा, हे सखी, कृष्ण यहाँ है, तुम यहाँ हो, वो देवी कहाँ है? वो देवी कहाँ है? अरे, मेरे स्मरण मात्र से ही श्री कृष्ण यहाँ आ गए। ये देखकर उसे मेरी पहली कही गई बातों पर विश्वास हुआ कि नहीं? ललिता जी ने कहा, वो देवी तुम्हारा मिलन दर्शन करके, अपने मन की पीड़ा को दूर देख करके इसी घर के मध्य शोभा पा रही हैं और तुम्हारा और हमारा हर्ष विधान कर रही हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग जिसको देवी कह रही हो, तुम ये तो बताओ वो कौन है, मुझे भी बताओ किसके बारे में बात कर रही हो। श्री कृष्ण पूछ रहे हैं कि तुम लोग कौन सी देवी की बात कर रहे हो। तो ललिता जी को तो कोई उत्तर नहीं मिला। श्री कृष्ण दोबारा कहने लगे, ओह समझा समझा समझा, सौभाग्यवशतः मैं अति अल्प समय के मध्य ही तुम लोगों की धूर्तता समझ पाया हूं। क्या धूर्तता है? कोई सिद्ध स्त्री या कोई आकाश चारिणी देवी, जो आकाश में विहार करती है, ऐसी देवी तुम्हारे घर आई और तुम्हारी सखी श्री राधिका ने उससे कोई सिद्ध मंत्र की शिक्षा ली कि मैं कभी भी किसी के वशीभूत नहीं होता, उस सिद्ध मंत्र की शिक्षा लेकर ये मुझे वशीभूत कर रही है और बलपूर्वक प्रतिदिन मुझको यहाँ पर लाकर अपना दास बनाना चाहती है तुम्हारी ये राधिका। हे राधे, वो देवी मुझे भी कोई सिद्ध मंत्र प्रदान करें। अरे भाविनी, तुम मुझे भी उससे कोई मंत्र दिलाओ, या अति उत्कंठा सहित मैं उस मंत्र को पाने की योग्यता रखूं और इसके लिए मैं तुम्हारी शरणागत होता हूं। तुम मुझे मंत्र दिलाओ, मैं तुम्हारी शरण लेता हूं। या फिर तुम ही मुझे किसी निर्जन स्थान में ले जाओ और अपनी शिष्य बना लो। श्री राधिका को कह रहे हैं, श्री राधिका बोल रही हैं, सिद्ध ज्ञान संपन्न तुम्हारी वंशी ही तो अतिशय शोभा विशिष्ट रूप से तुम्हारे हाथ में विराज कर रही है, वो तो परम सती कुल रमणियों को भी तुम्हारे पास सम्यक रूप से, यानी तुम्हारे अभिप्राय के अनुरूप ले आती है। तुम कौन सा सिद्ध मंत्र लेना चाहते हो? यह सिद्ध योगिनी तो है तुम्हारी वंशी, इससे तुम एक फुत्कार देते हो तो सबका धैर्य लज्जा सब दूर हो जाता है, सब आ जाती है, तो सिद्ध मंत्र लेके क्या करोगे? तुम समस्त कुल रमणियों को अपने पास बुला ले तो इसके द्वारा अब पृथक मंत्र का क्या प्रयोजन? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, किंतु तुम लोग जब मेरा बंसी चुरा लेती हो तब मेरे पास क्या उपाय होगा? जब मेरी बंसी चोरी कर लोगी तब कैसे बुलाऊंगा? इसलिए बंसी द्वारा हमेशा मेरी कार्य सिद्धि नहीं होती, मुझे भी मंत्र की आवश्यकता है। तब ललिता जी ने कहा, हे कृष्ण, देवी तुम्हें देखकर लज्जा से घर के अंदर छुप गई हैं और उन्होंने तुम्हें क्यों मंत्र उपदेश दिया? वो तुम्हें क्यों मंत्र देंगी? देंगी ही नहीं।
हाँ, यदि तुम खूब उत्कंठिता हो जाओगे, बहुत उत्कंठा हो जाएगी तुम्हारे अंदर, तब तुम स्वयं ही अपने घर के अंदर प्रवेश करो, और यदि देवी की दया होगी तो तुम्हारी मनोवासना पूर्ण करेगी। यानी घर के अंदर चलो आप, अब बाहर मत रहो, जैसे कुंज में जाते हो घर के अंदर जाओ। ये कथा श्रवण करके श्री कृष्ण घर के अंदर प्रवेश कर गए और श्री राधिका ने जिज्ञासा की, ललिते बात क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई, कुछ तो प्रकाशित करो, मेरा संदेह हो रहा है। ललिता जी ने कहा, सखी राधे संकुचिता मत हो, चलो चलो हम भी घर में प्रवेश करके श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी उस सखी का संग देखें, श्री कृष्ण के साथ कैसे सखी का संग हो रहा है। बाद में श्री राधा रानी का जो हृदय क्षेत्र में श्री कृष्ण का वचन नैपुण्य रूपी जो बीज पड़ा था, वो श्री ललिता सखी वृंद रूपी मेघ माला के मृदु हास्य रूपी जल वर्षण से अंकुरित हो गया और तर्क रूपी वृक्ष का रूप ले लिया। बाद में ये वृक्ष यथार्थ ज्ञान रूपी बहुरसपूर्ण फल प्रसव किया, अर्थात श्री कृष्ण की देवी के निकट मंत्र ग्रहण रूपी वाक्य का चातुर्य जो था, उससे श्री राधिका के मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया। सखी वृंद जब हंसने लगी तो वो जो संदेह था और भी घना हो गया कि हो ना हो कुछ तो दाल में काला है। बाद में श्री राधिका के हृदय में बहुत तर्क वितर्क के बाद ये बात उनके हृदय में प्रकटित हो गई कि इस घटना के अंदर प्राण कोटि प्रेष्ट श्री कृष्ण के सहित मिलन होगा। यानी ये घटना हुई इसलिए कि अब श्याम सुंदर के साथ मेरा मिलन होगा और ये सखियां ये मिलन कराएंगी, तो इसलिए उन्हें परम आनंद आया। बाद में श्री ललिता जी ने कहा, वो देवी इस स्थान से ही अंतरहिता हो गई हैं, अंतर ध्यान हो गई हैं और बाहर चली गई हैं, हम सारी सखियां उसे खोजने के लिए जल्दी जा रही हैं। हे सखी राधे, तुम अब स्वयं ही उस मंत्र का उपदेश श्री कृष्ण को करके आनंदित करो। ये कथा बोलकर सारी सखियां तुरंत उस स्थान से प्रस्थान कर गईं। उस समय श्री राधा गोविंद दो जन प्रेम रूपी संपुट के मध्यस्थ, अर्थात प्रेमोत्त विविध प्रकार की प्रेम से उत्पन्न, काम से उत्पन्न नहीं, प्रेम से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विलास रूपी रत्न राशि द्वारा सुशोभित हुए और कोटि कोटि कंदर्प को भी उन्होंने पराजित किया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनके विलास से कोटि कोटि कंदर्प कामदेव भी पराजित हो जाते हैं। जो कामदेव व्यक्तियों को पराजित कर देते हैं, जीव को पराजित कर देते हैं, देवताओं को पराजित कर देते हैं, प्रिया प्रियतम के विलास के आगे वही पराजित हो जाते हैं, क्योंकि साधुगण उन युव युगल को, प्रिया प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जिस केली रत्न का श्रवण कीर्तन करते हैं, जो हमने किया है ना, और चिंतन के द्वारा परमानंद लाभ करते हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो सतत काम को पराजित कर देते हैं। यानी काम उनके पास नहीं आ पाता जब वो प्रिया प्रियतम के इस विहार के बारे में चिंतन करते हैं, अर्थात अप्राकृत लीला रस के आस्वादन को पाकर प्राकृत भोग लालसा और हृदय में नहीं रह सकती। लीला रस का आस्वादन ही तब उनके चित्त को डुबोए रहता है अपने में, देह इंद्रिय आदि का अनुसंधान भी तब नहीं रह पाता, देह इंद्रिय का अनुसंधान का भी अवकाश तब व्यक्ति नहीं पा सकता है। तो इसलिए ये राधा श्री राधा कृष्ण की ये लीला जययुक्त हो, कह रहे हैं कि श्री राधा कुंड और श्याम कुंड के तट पर अवस्थित श्री रूप गोस्वामी पाद के वाक्य माधुर्य अमृत का पान से परिपुष्ट कोई एक जन इस प्रेम संपुट काव्य को प्रकाश कर रहा है। श्री रविश्वनाथ चक्रवर्ती पाद दैन्यवशता अपना नाम प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, इतनी दीनता है हमारे गौड़ीय वैष्णव में, इतना रस देते हैं फिर भी अपना नाम नहीं आने देते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमारे आचार्यों की वाणी बोलते हैं पर उनका नाम नहीं आने देते और अपना ही नाम आगे करते हैं। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पर ये श्री श्री प्रेम संपुट का आस्वादन हमने लिया। श्रीमन महाप्रभु की कृपा हुई तो फिर एक नए ग्रंथ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि।